नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर सभी जवानों, भूतपूर्व सैनिकों, केंद्रीय कर्मचारियों तथा सभी पेंशन भोगियों का आपके विश्वसनीय सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जबरदस्त न्यूज सभी जवानों, भूतपूर्व सैनिकों, केंद्रीय कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों के लिए। पेंशन, एक्सर्विसमेंट, जॉब, लीव इनकेशमेंट, बजट 2020, फाइनेंशियल असिस्टेंट और बहुत सारे मुद्दों पर आइए देखते हैं इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, बड़ी खबर पूर्व सैनिकों के लिए है। पूर्व सैनिकों को मिला न्यू ईयर ऑफर, यानी देश और विदेश में जॉब करने का मौका। तो देखें कहां, कैसे और किसको मिलेगा ये मौका। यह दोस्तों न्यू ईयर वैकेंसी, यानी कि 10,000 एक्स सर्विसमैन के लिए ट्रक ड्राइवर की वैकेंसी निकली है, जो कि इंडिया में, अमेरिका में, कनाडा में, यूएई में जॉब कर सकते हैं। इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है? एक्स सर्विसमैन, ट्रक ड्राइवर एंड देयर डिपेंडेंट, जिनके पास हैवी कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, प्रोविडेंट फंड अकाउंट नंबर होना चाहिए और पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए। अब इसके तहत में जो सैलरी है वो 22,000 से लेकर 30,000 रुपये पर महीने के हिसाब से मिलेगी और जिसमें हर महीने 3 से 4 दिन की छुट्टियां रहेंगी। और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपके रास्ते में रेस्ट हाउस की सुविधा मिलेगी और ड्यूटी आपकी फ्लेक्सिबल होगी। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर भी दिया जाएगा 5 लाख का। इसके साथ और भी कई अट्रैक्टिव इंसेंटिव्स मिलेंगे। और दोस्तों, 1 साल की सर्विस कंप्लीट होने के बाद अमेरिका, कनाडा, सऊदी अरबिया में जाने का भी मौका मिलेगा। जो भी इंटरेस्टेड ड्राइवर्स हैं वो आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑफिस जालंधर के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो लोग इसके बारे में ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं वो ये जो दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर हैं इन पर बातचीत करके सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक वर्किंग डे में डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी भूतपूर्व सैनिकों के जॉब संबंधी जानकारी। अब देखते हैं अगली बड़ी खबर। दोस्तों, जनरल बजट 2020 से पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन की तरफ से देखिए किन किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करने को अनुरोध किया गया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। देखिए, मुद्दा नंबर 1, पेंशन और दूसरे आमदनी पर सीनियर सिटीजन्स को 15 लाख रुपए तक की आमदनी पर इनकम टैक्स से छूट देना चाहिए। मुद्दा नंबर 2, जो एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन दी जाती है 80 साल के बाद पेंशन भोगी को, वो 70 साल की उम्र पर लागू कर देनी चाहिए। मुद्दा नंबर 3, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन को 15 साल की बजाय 10 साल के बाद चालू कर देना चाहिए। मुद्दा नंबर 4, सिंगल फीमेल एम्प्लॉयज को चाइल्ड केयर लीव की तर्ज पर ही ओल्ड एज पेरेंट केयर लीव मिलनी चाहिए। इसी तरीके से दोस्तों, जो चाइल्ड केयर लीव सेकेंड ईयर में दी जाती है, जहां पर 80% सैलरी दी जाती है वोमेन को, उसको 100% देना चाहिए। और दोस्तों, जो 300 दिन की लीव इनकेसमेंट होती है उसके दायरे को बढ़ाना चाहिए, जैसा कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जजमेंट में कहा गया है। और दोस्तों, 1 जुलाई 2017 से जो फैमिली प्लानिंग अलाउंसेस को बंद किया गया है उसे पुनः स्टार्ट करना चाहिए। और दोस्तों, जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस 1,000 रुपये महीना दिया जाता है उसको बढ़ा के 3,000 रुपये महीने करना चाहिए। दोस्तों, इस तरह से 14 मुद्दे उठाए हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समकक्ष। अब देखना होगा कि जनरल बजट 2020 में इनमें से किसी पर इम्प्लीमेंटेशन होता है या नहीं। आइए दोस्तों, अब देखते हैं अगली बड़ी खबर। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पूर्व सैनिकों की पेंशन का बड़ा दायरा। अब पूर्व सैनिकों की बेटियों को भी मिलेगी पेंशन। जी हाँ दोस्तों, पूर्व सैनिकों की पेंशन के दायरे को बढ़ाया गया है। अब तक यह सुविधा पहले भूतपूर्व सैनिकों की विधवा पत्नियों को ही मिलती रही है। अब नए निर्देशों के तहत भूतपूर्व सैनिकों व उनकी पत्नी की मौत के बाद डिसेबल्ड यानी दिव्यांग, तलाकशुदा व विधवा बेटियों को भी पेंशन की सुविधा मिलेगी। जो बेटियां अपने माता पिता पर आश्रित हैं उनको इसका लाभ लेने के लिए जिला स्तरीय सैनिक कल्याण बोर्ड में आवेदन करना होगा और पेंशन के रूप में करीब 9,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। और बेटियों को पेंशन लेने के लिए माता पिता के निधन का प्रमाण पत्र देना होगा, पंचायत में परिवार का रिकॉर्ड ब्यौरा देना होगा,
पिता के सेना में नौकरी के दस्तावेज जिला सैनिक बोर्ड में आवेदन के साथ देने होंगे। जिस यूनिट में पूर्व सैनिक की नौकरी होगी वहां के रिकॉर्ड कार्यालय को आवेदन जाएगा, वहां से ही पेंशन की अंतिम अनुमति मिलेगी। और दोस्तों, पूर्व सैनिकों की बेटियों की शादी के लिए भी 50,000 रुपये की शादी की सहायता दी जाती है तथा प्रोफेशनल पढ़ाई के लिए भी अनुदान राशि दी जाती है। दोस्तों, इस तरह की बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं हमारे पूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों के लिए। दोस्तों, इनकी सही जानकारी ना होने की वजह से पूर्व सैनिक लाभ से वंचित रह जाते हैं, इसलिए जिला सैनिक बोर्ड को जागरूक करने की जरूरत है। तमाम जितने भी हमारे भूतपूर्व सैनिक कर्मी हैं, उनके आश्रित हैं, उनसे रिलेटेड जितनी भी कल्याणकारी नीतियां हैं, उन सब के प्रति पूर्व सैनिकों को जागरूक करने की बहुत बहुत जरूरत है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी इस वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।